हाय गाइस, वेलकम टू लिनक्स आर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ राम मिश्रा और मैं हूं आपका लिनक्स ट्रेनर। सो आज मैं आपके सामने लाया हूं कुछ न्यू इंटरेस्टिंग लिनक्स टॉपिक, जो कि है हाउ टू जनरेट SSH की पेयर इन डिफरेंट लोकेशन। सो गाइस, लेट्स बिगिन द टॉपिक। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेशन, वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू पॉइंट्स विच इज़ बेस्ड ऑन SSH की पेयर जनरेशन। वो पॉइंट्स कुछ इस तरह से हैं। नंबर वन पॉइंट, हमें ये जानना जरूरी होता है कि नॉर्मली SSH की पेयर फाइल बाय डिफॉल्ट कहाँ जनरेट होती है। एंड सेकंड पॉइंट, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि जनरेटेड की पेयर फाइल को हम अपने ट्रस्टेड क्लाइंट को सेंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है गाइस, सो आइए देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन करते हैं, वो भी डिफॉल्ट फाइल लोकेशन के साथ। बाद में हम अपनी की पेयर फाइल की लोकेशन भी चेंज करके देखेंगे, जो कि आज का हमारा मेन प्रैक्टिकल है। इस सिनेरियो को करने के लिए मेरे पास दो वर्चुअल मशीन है। एक है मेरी फर्स्ट मशीन server1.pool.org, मैं आपको शो करता हूँ। ये रही server1.pool.org, और इस समय मैं जिस रेड हैट रिलीज वर्जन को यूज कर रहा हूँ वो है RHEL का 8.0। और दूसरी है मेरी ट्रस्टेड क्लाइंट मशीन, मैं उसको भी आपको इंडिकेट करता हूँ, दैट इज client1.pool.org, और ये भी जो है बाय डिफॉल्ट 8.0 को मैं यूज कर रहा हूँ। गाइस, इस प्रैक्टिकल को करने की कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स हैं कि बोथ मशीन शुड बी पिंग टू ईच अदर एंड ओपन SSH पैकेज शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन बोथ साइड एंड SSHD सर्विसेज शुड बी रनेबल कंडीशन। सो की बेस्ड ऑथेंटिकेशन करने के लिए जिस कमांड को हम सर्वर साइड पर यूज करेंगे वो है SSH कीजन। ये देखिए SSH कीजन। सो मुझे जहाँ तक आइडिया है, मोस्ट ऑफ द पर्सन SSH कीजन कमांड से पहले से भी फैमिलियर होंगे। दिस कमांड इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग द की पेयर्स। जैसे ही मैं इस कमांड को रन करूँगा, ये देखिए मैं रन करता हूँ, ये मुझे इंडिकेट करता है कि आपकी दो फाइलें, पब्लिक एंड प्राइवेट की फाइल, जो कि RSA बेस्ड एल्गोरिथम बेस्ड है, वो जनरेट होंगी। और साथ ही साथ ये मुझे उन लोकेशन को भी इंडिकेट करता है जहां पर ये स्टोर होगी। ये देखिए, इट इज़ बाय डिफॉल्ट /root के अंदर .ssh के अंदर जाके स्टोर होगी। तो मैं सिंपली इंटरप्रेस करता हूं, मैं बाय डिफॉल्ट लोकेशन पे लेके जा रहा हूं, अभी मैं लोकेशन चेंज नहीं कर रहा हूं। जैसे मैं इंटरप्रेस करता हूं, ये मुझसे पासवर्ड के लिए पूछता है, कीज के लिए पूछता है। तो अगर आप पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं, आप पासवर्ड नहीं चाहते हैं, आप सिंपल इंटरप्रेस करके आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप कोई की देना चाहते हैं तो की भी दे सकते हैं। मैं फिलहाल सिंपल इंटरप्रेस कर रहा हूं, मैं पासवर्ड नहीं देना चाहता हूं। मैंने इंटरप्रेस किया, अगेन मैंने सेम इंटरप्रेस किया और इसने मुझे एक मैसेज दे दिया कि मेरी जो फाइल है वो रूट के अंदर .ssh के अंदर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो गई है। तो मैं जाके देखता हूँ cd/root.ssh। यहाँ पर अगर मैं जाके देखता हूँ तो मेरी दोनों जो फाइलें थी वो यहाँ पर जनरेटेड हो गई हैं, id_rsa एंड id_rsa.pub। दिस इज माई पब्लिकली फाइल एंड दैट इज माई प्राइवेट फाइल। सो गाइज, दिस इज द फर्स्ट टास्क वी हैव क्रिएटेड सक्सेसफुली, जो कि हमने की पेयर फाइल को जनरेट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि जनरेटेड कीज को हम अपने ट्रस्टेड क्लाइंट को सेंड आउट कैसे करेंगे। तो उस टास्क को करने के लिए जिस कमांड को मैं यूज करूंगा वो है SSH copy ID। सो SSH copy ID कमांड के थ्रू हम अपनी की पेयर फाइल में से पब्लिक फाइल को ट्रस्टेड क्लाइंट को सेंड आउट करेंगे। सो दिस कमांड इज यूज्ड लोकली अवेलेबल की टू ऑथराइज लॉगिन ऑन रिमोट मशीन। इस प्रोसेस के दौरान हम जिस भी ट्रस्टेड क्लाइंट के यूजर को अपनी पब्लिक फाइल सेंड आउट करेंगे तो उस यूजर का हमें वन टाइम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन एक्सेस करना होगा। की सक्सेसफुली सेंड हो जाने के बाद नेक्स्ट टाइम जब भी सर्वर साइड से ट्रस्टेड क्लाइंट के यूजर को SSH करेंगे, उस टाइम ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के दौरान ऑथेंटिकेशन की बेस्ड होगा, ना कि पासवर्ड बेस्ड। यही हमारा सिनेरियो है। तो पहले हम अपने ट्रस्टेड क्लाइंट यानी कि client1.pool.org मशीन पर एक यूजर बना लेते हैं जिसको हम फाइल सेंड आउट करेंगे। तो मैं क्लाइंट पर आ जाता हूं और एक यूजर बना लेता हूं test1 नाम से, आप कुछ भी बना सकते हो। इसको मैं पासवर्ड साइन कर देता हूं, दैट इज 1212, और मैं ID कमांड से वेरीफाई कर लेता हूं कि मैंने यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड कर लिया है। जी हाँ, मेरा यूजर बन गया। नाउ आई एम बैक टू माई मशीन, मैं सर्वर साइड पर जाता हूँ और अब मैं अपने बने हुए यूजर को, जो कि client1 पे बना हुआ है, उसको ये की फाइल सेंड आउट करूंगा।
सो कैसे करूंगा, SS copy ID hyphen I, I means identity file, मैं फाइल की लोकेशन बताऊंगा अपनी पब्लिक फाइल की लोकेशन, रूट के अंदर .ssh के अंदर id_rc.pub एंड गिव द ट्रस्टेड क्लाइंट यूजर नेम test1@the rate एंड द IP address ऑफ द मशीन। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, फर्स्ट टाइम ये मुझसे पासवर्ड पूछेगा, मैंने पासवर्ड डाला 12 एंड आई गॉट द मैसेज। After complete successfully this process, I'll check from the server side whether I am able to SSH that user using key-based authentication or not. So from the server side, मैं फिर से SSH command चलाता हूँ और verify करता हूँ कि क्या हुआ। SSH test1@10.0.0.2 मैं interface करता हूँ and here I log in. अब अगर मैं login command चला के देखूँ तो मैं test1 से login हूँ, और अगर मैं होस्ट नेम से वेरीफाई करता हूँ तो यस, इस समय मैं अपनी क्लाइंट मशीन पे आ चुका हूँ विदाउट पासवर्ड। सो आई एम सिंपली लॉग इन टू द ट्रस्टेड क्लाइंट मशीन यूजिंग की बेस पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन। सो दिस इज द प्रोसेस फॉर पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन विथ डिफॉल्ट फाइल लोकेशन ओवर द नेटवर्क। होपफुली गाइस दिस इज क्लियर फॉर यू। ये प्री डिफाइंड कंडीशन में हमने इस प्रैक्टिकल को किया, जिसमें हमने कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया, कोई भी फाइल लोकेशन चेंज नहीं की, और एक सिंपल प्रोसेस से पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन को वेरीफाई किया, चेक किया। नाउ वी जनरेट अगेन SSH की पेयर ऑन द सर्वर साइड विद डिफरेंट फाइल लोकेशन। अब इसी पूरे प्रैक्टिकल को हम अपनी डिफरेंट फाइल लोकेशन को साथ करके देखेंगे कि की पेयर की फाइल को चेंज करके ये प्रैक्टिकल कैसे होता है, जो कि हमारा आज का टास्क था। सो सर्वर साइड पर की जनरेट के लिए जो कमांड हमने पहले चलाई थी उसी कमांड को फिर से दोबारा चलाएंगे, लेकिन इस बार हम अपनी की फाइल की लोकेशन को भी देंगे। सो मैं अगेन सर्वर साइड पर हूँ और इस समय मैं /root पे हूँ। यहाँ मैं देखता हूँ कोई और फाइल नहीं बनी है, तो मैं कमांड चलाने जा रहा हूँ SSH keygen -f। F means file name, give the file name, आप कौन सी की फाइल नेम देना चाहते हैं, तो आप कोई भी किसी भी लोकेशन पर दे सकते हैं। मैं /root के अंदर लिनक्स नाम से दे रहा हूँ। मैंने इंटरफेस किया, अगेन आई गॉट द मैसेज कि मेरी पब्लिक और प्राइवेट की पेयर फाइल जनरेट हो रही हैं और मुझसे ये की पूछ रहा है, तो इस बार मैं कोई की दे देता हूँ, ram@123। आप कुछ भी दे सकते हैं, आप ब्लैंक भी कर सकते हैं, ram@123। एंड आई गॉट द मैसेज अगेन कि मेरी दोनों फाइलें सक्सेसफुली जनरेटेड हो चुकी हैं उसी लोकेशन पे। चेक कर लेते हैं, ls yes linux.pub दिस इज माई पब्लिकली फाइल एंड सिंपली लिनक्स दैट इज माई प्राइवेट फाइल। तो इस प्रोसेस के थ्रू मैंने अपनी न्यू जनरेटेड की फाइल्स /root पर बना लिया है। अब लास्ट प्रैक्टिकल की तरह हम अपनी linux.pub फाइल को ट्रस्टेड क्लाइंट को सेंड आउट करेंगे और चेक करेंगे कि न्यू लोकेशन फाइल से की बेस ऑथेंटिकेशन हो पा रहा है या नहीं। इसके लिए हम क्लाइंट पर एक और न्यू यूजर बना लेते हैं और यूजर अपनी पब्लिकली फाइल सेंड आउट करके प्रोसेस को चेक करके देखते हैं। सो मैं क्लाइंट साइड पर आ जाता हूँ दोबारा और यहाँ एक और यूजर बना लेता हूँ, user@test2 एंड गिव द पासवर्ड। मैं इसको पासवर्ड देता हूँ 1212 और मैं आईडी कमांड से वेरीफाई कर लेता हूँ कि मेरा यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया या नहीं। जी हाँ, ये हो चुका है। मैं वापस सर्वर साइड पे जाता हूँ और अगेन SSH copy ID कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, SSH copy ID -i रूट के अंदर linux.pub test2@10.0.0.2 इंटरफेस करता हूँ। फर्स्ट टाइम उससे पासवर्ड पूछेगा यूजर का, तो मैं पासवर्ड डालता हूँ दैट इज 12 एंड अगेन आई गॉट द मैसेज। फाइल सक्सेसफुली सेंड आउट हो जाने के बाद सर्वर साइड से test2 के लिए अब हमें SSH चेक करना है। तो गाइज इस टाइम हमें एक बात याद रखनी है कि अब SSH कमांड चलाते समय हमें सर्वर पर अपनी प्राइवेट फाइल की लोकेशन को भी मेंशन करना होगा, वरना SSH बाय डिफॉल्ट प्री एलोकेटेड फाइल की लोकेशन को ही एक्सेस करेगा, हमारी न्यू की फाइल लोकेशन को नहीं लेगा और हमसे SSH के दौरान ऑथेंटिकेशन के लिए यूजर का पासवर्ड पूछेगा, की बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि अब जब भी हम अपनी न्यू की फाइल से ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं तो हमें SSH कमांड अपनी प्राइवेट फाइल की लोकेशन को मेंशन करते हुए ही चलाना होगा। कैसे करेंगे, SSH -i गिव द प्राइवेट फाइल लोकेशन रूट लिनक्स एंड देन गिव द यूजर नेम test2 10.0.0.2 प्रेस इंटर
और ये देखिए ये मुझसे की पूछ रहा है, तो मैंने की डाली राम एट दैट 123 एंड आई सक्सेसफुली लॉग इन। अब अगर मैं लॉग नेम कमांड चला के देखता हूँ तो मैं टेस्ट 2 से लॉग इन हूँ, और अगर मैं होस्ट नेम से देखता हूँ वेरीफाई करता हूँ तो मैं क्लाइंट 1 पे लॉग इन हो चुका हूँ। सो दिस इज द मैथड कि मैं SSH-I करके प्राइवेट फाइल को मेंशन करके SSH करूंगा तो ये की बेस ऑथेंटिकेशन होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर देना भूल जाता हूँ और सीधे इंटर प्रेस करता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट मुझसे पासवर्ड प्रॉम्प्ट पूछेगा, जो कि मेरे इस प्रैक्टिकल के लिए, मेरी जनरेटेड की फाइल के लिए राइट नहीं है, रॉन्ग है। सो याद रखिएगा, हमें जब भी अपनी न्यू की फाइल से ऑथेंटिकेशन करना है तो SSH कमांड के दौरान अपनी प्राइवेट फाइल की लोकेशन को मेंशन करके हुए ही इस कमांड को एग्जीक्यूट करना होगा। ये देखिए राम एट दैट 123 एंड आई सक्सेसफुली लॉग इन। सो इस तरह हम अपनी न्यू लोकेशन फाइल से ऑथेंटिकेट हो सकते हैं। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। होपफुली यू एंजॉयड एंड लर्न न्यू थिंग्स। सून आई विल कम अप विद अनदर न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन डू प्रैक्टिस। अगर आपको इस सेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। गाइस, वन मोर थिंग, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन RHL ऑनलाइन क्लासेस फॉर RSCSA एंड RSCE, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस थ्रू गिवन लिंक्स विच इज मेंशन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ। गुड बाय।